नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता है कि लगभग अब इस समय मध्य प्रदेश में पटवारी की भर्ती अब जल्द ही आने वाली है। कई बार इसके लेके इससे संबंधित चर्चाएं हो चुकी हैं। तो पटवारी की तैयारी कैसे करें, कैसे उसका प्लान बनाएं और कैसे उसको मतलब अपनी स्पीड को बढ़ाएं, उस चीज़ को लेके हम आपके पास पुराना पेपर लेके आए हैं, जिससे आपको देख के क्वेश्चन आने का तरीका, कैसे प्रश्न आते हैं, उसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से चैप्टर रहते हैं, कैसे पूरा उसका सिस्टम फॉलो होता है, हम आपको पूरी चीज़ें क्रमशः दिखाएंगे। तो कृपया वीडियो को लास्ट तक देखें, जिससे पूरा आपको क्लियर हो जाए और लगभग आपको तैयारी करना आसान कुछ समझ में लगने लगे। तो चलिए, आपके बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 10 जनवरी 2018 का ये पेपर है, जो एमपी पटवारी का पिछला पेपर था, जो सबसे लास्ट में री एग्जाम हुआ था, वो वाला पेपर आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पटवारी 2017 सेट 40 ये पेपर हुआ था। अब हम आपको सीधा सिलेबस की ओर चलते हैं, जिससे आपको कुछ क्लियर हो। सबसे पहला जो सिलेबस आता है ये जनरल नॉलेज का होता है। इससे आपके 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 प्रश्न रहते हैं, 20 नंबर के रहते हैं। तो हम आपको अब प्रश्न दिखाते हैं कि कैसे लगभग किस लेवल के प्रश्न आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ मार्क्स, नंबर ऑफ अटेम्प्ट, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे। अब ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से मध्य प्रदेश का सबसे पुराना भूभाग कौन सा है, यानी भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से जो एमपी का सबसे पुराना भूभाग है वो कौन सा है। तो ये गोंडवाना भूमि है, गोंडवाना लैंड, ये पहला प्रश्न था। जो अपना ये 20 नंबर का जीके आता है, इसमें थोड़ा सा महत्वपूर्ण पॉइंट रहता है अपना एमपी का, और बाकी एमपी के बाद कुछ क्वेश्चन थोड़ी बहुत हल्के फुल्के विज्ञान के रहते हैं, बाकी विश्व का, एमपी का, पूरा मतलब जीके मिला के रहता है। तो ज़्यादा वेटेज हो जाता है एमपी से, इसलिए जीके का जो 20 नंबर का आता है उसमें आप अच्छे से तैयारी करें मध्य प्रदेश की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब स्थापित किया गया था। तो इसका राइट आंसर है 1965। ये हम सब आपको मतलब दिखाने का मतलब सिर्फ हमारा ये है कि आप प्रश्न का लेवल देख लें और पूरा सिलेबस समझ लें, तो थोड़ा सा आपको आसानी हो जाएगी तैयारी करने में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी भारतीय वन सेवा के अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण संस्थान कहां स्थित है। तो इसका राइट आंसर है देहरादून में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवत गीता में कितने अध्याय या खंड हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 18। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ का प्राचीन शहर वास्तव में कहां है। तो इसका राइट आंसर है इंदौर के पास। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्विक परिवार दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है 1 जनवरी को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समुदाय ने म्यांमार में बड़े पैमाने पर उत्पीड़न से भागने के बाद भारत से शरण मांगी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहिंग्या। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 ओलंपिक खेलों में प्रतिस्पर्धा करने वाले पहले और एकमात्र भारतीय कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिएंडर पेस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1942। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा किला है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ का किला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशाल सिक्का हाल ही में समाचार में थे क्योंकि उन्होंने इन्फोसिस के CEO और MD के पद से इस्तीफा दे दिया था। तो ये करंट का क्वेश्चन था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है कि मध्य प्रदेश में सबसे महत्वपूर्ण नदी द्वीप कौन सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओमकारेश्वर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर झीलों के शहर के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिवपुरी में करवाला क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पर्यावरण पर्यटन केंद्र। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रसिद्ध किले का नाम बताइए जिसे बादल महल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राहतगढ़ का किला। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है कि मध्य प्रदेश का राज्य पशु बारहसिंघा में
कहाँ पाया जाता है, खालिस्तान में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG कैग किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दतिया में प्रसिद्ध शक्तिपीठ खालिस्तान है, तो इसका पीताम्बरा देवी जी का है। फिर नेक्स्ट है, चंदेरी के संस्थापक राजा कीर्तिपाल खालिस्तान राजवंश के थे, तो ये प्रतिहार वंश के थे। तो ये अपना जीके के प्रश्न हो गए। अब हम आपको दिखाते हैं जनरल मैथमेटिक्स एंड जनरल एप्टीट्यूड, इसके भी आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो चलिए इसके प्रश्न आपको दिखाते हैं कि किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया है कि पिता और पुत्र की आयु में अभी 24 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुना थी, तो अभी पुत्र की आयु क्या है। तो लगभग मॉडरेट लेवल के प्रश्न आते हैं, बहुत कठिन नहीं रहते हैं, तो इनकी तैयारी आप अच्छे से करें। इसका राइट आंसर 17 होगा, फिर इसको हम बोर्ड में लगा के भी दिखा देंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 3x^4 -12x² +18 = 0 हो, तो x² -2² क्या होगा। सीधी सी बात, आप इसमें x का मान निकालेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इसका वैल्यू निकालना, हमको 9^5 × 3^ -4×27^3 का मान क्या होगा, तो इसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं मैथ से। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इसको भी आप अच्छे से हल कर लेंगे। ये प्रश्न दिया हुआ है तो इसको अच्छे से हल कर लेंगे। हम आपको सिर्फ प्रश्न का लेवल दिखा रहे हैं। 20 सेंटीमीटर लंबाई और 15 सेंटीमीटर चौड़ाई और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक बर्तन कितने लीटर पानी समाविष्ट करेगा, तो उसका आयतन निकालेंगे, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.5 का वर्ग क्या है। इजी क्वेश्चन आते हैं लगभग, ये एवरेज निकालिए इसका। फिर एक ये क्वेश्चन दिया हुआ, इसको हल कर लेंगे अच्छे से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विद्यालय जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस लौटता है। यदि वह विद्यालय जाने और वापस आने में 2 घंटे और 30 मिनट का समय लेता, तो उसके विद्यालय और घर के बीच की दूरी कितनी है, तो इसको आप लगा लेंगे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिए गए चित्र को बनाने के लिए आवश्यक सीधी रेखाओं की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 45 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा 700 मीटर लंबे पुल को पार करने में लिया गया समय क्या होगा। 2 मिनट 30 सेकंड, इसको हल करके निकाल सकते हैं। फिर एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंकों की संख्या व उसके अंकों के विनिमय द्वारा प्राप्त संख्या के बीच का अंतर 63 है, तो उसके अंकों के बीच जो अंतर क्या होगा, ये आप देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि श्यामा गत्ते का उपयोग करते हुए खिंचाव में प्रतिदिन 6 घंटे का कार्य कर 4 दिनों में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का प्रतिरूप तैयार करता है, लेकिन यदि वह इसे 3 दिनों में समाप्त करने का निश्चय करती है, तो उसे प्रतिदिन कितने और अधिक घंटे कार्य करना चाहिए, तो इसको भी आप हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक्स का 10% वाई के 20% के बराबर, तो एक्स वाई का कितने परसेंट है, अनुपात उसके बीच में निकालना है, तो आप इसको हल कर लेंगे। आसान क्वेश्चन है ये। निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या 2176 को विभाजित करते समय शेष 9 छोड़ती है, ये हल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप नॉर्मली कि HCF पूछा हुआ महत्तम समावर्तक, जिसको आप आसानी से निकाल सकते हैं। फिर ये दिया हुआ है कि इसको आप हल करेंगे। एक ये क्वेश्चन परसेंटेज से दिया हुआ है, 3 व्यक्ति ABC हैं, उसको व्यापार शुरू करने के लिए इतने 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 रुपए हैं, तो 25% दान भी करता है, तो बी ए के हिस्से से कितना अधिक है, इसको आप निकाल लेंगे। फिर दिखाते हैं आपको हिंदी, ये भी आपका 20 नंबर का प्रश्न आ रहा है, तो इसको आप अच्छे से हल कर लेंगे। संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्दों के भेद हैं अभिकारी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शब्द समय के साथ परिवर्तित तो होकर हिंदी में आए हैं वो क्या कहलाते हैं, तो वो शब्द कहलाते हैं तद्भव। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, देशज शब्द नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा पादरी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आसक्ति का क्या अर्थ है, तो गहरी चाह। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, अता पता शब्द उदाहरण है निरर्थक सार्थक युग्म से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है, स्वर्ण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसकी पत्नी मर गई हो उसके लिए क्या कहा जाता है, तो विधुर।
शयन का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है? तो से, धन, अन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बहिष्कार का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वीकार। फिर बद उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है? तो बदसलूक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कुसुम कोमल शब्द निम्न में से कौन सा समास है? तो कर्मधारय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह छिपाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लज्जित होना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन संग्रहित का शुद्ध रूप कौन सा होगा? तो ये इसका फर्स्ट नंबर ही संग्रहित सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखें निकाल उड़ जाते क्षण भर उड़कर आ जाते सब जीव खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते, इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? तो बीभत्स रस है। तो बीभत्स मतलब इसमें जुगुप्सायनी पढ़ने में उसको घृणा होती है, तो वैसे भी इसमें लिख रहा है सौ जीव खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते, थोड़ा सा सुनने में अजीब सा लगता है, तो लगभग घृणा होती है उसको देखने पढ़ने से, वहाँ पर बीभत्स रस होता है। रस हमने अलग से पढ़ाया हुआ तो उसको आप देख सकते हैं, फिर हम अलग से फिर से बता देंगे। फिर नेक्स्ट है गंधी गंध गुलाब को गवई गाहक कौन में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अनुप्रास अलंकार होगा कि जिसमें जब कोई मतलब वर्ण की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार होती है तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए गए शब्द के लिए सही पर्यायवाची वाले शब्दों की पंक्ति चुनिए, तो देवराज सुरपति सुरेंद्र और सुरेश ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अधोलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे से करिए, यदि तुम झूठ बोलोगे तो अपना विश्वास खोने के कारण अपने पांव पर आप ही कुल्हाड़ी मार लोगे, ये मुहावरा से आया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए जोड़ों में आए विलोम शब्द किससे हैं? तो इसके किसमें हैं? तो गरीब और अमीर हैं, बाकी तो विलोम नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस विकल्प में एक जाति शब्द गुमाते हैं? तो ये रहन सहन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है समास के कितने भेद होते हैं? तो ये छः हैं। देख सकते हैं अब नॉर्मल क्वेश्चन लगभग आ रहा है। फिर क्वेश्चन आ रहा है अपना रूरल इकोनॉमी एंड पंचायती राज से, इसको दिखाते हैं फिर हम। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार के द्वारा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के हरदा जिले में स्थित उस डेयरी का नाम बताएं जो बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण एवं दुग्ध प्रमाण के क्षेत्र में कार्य करती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंकर्स इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट यानी कि BIRD कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का शुभारंभ वर्ष 2000 में उस समय के प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जैविक खेती के प्रोत्साहन के लिए PKVY में अपनाई जाने वाली न्यायिक प्रणाली क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम यानी कि PGS सर्टिफिकेशन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा किस दिन को बालिका दिवस घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष 9 दिसंबर को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या जैविक खेती की एक तकनीक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक लेखा परीक्षण समिति का गठन किस स्तर पर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम पंचायत। फिर नेक्स्ट है ग्राम पंचायत के सचिव कौन हैं? तो ग्राम सेवक होते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है ISOPAM स्कीम के उद्देश्य क्या है? तो इसका इसकी उद्देश्य है मुख्य रूप से तिलहनों एवं मक्का का उत्पादन बढ़ाना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ की फसल नहीं है? तो गेहूं की है। नॉर्मल क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ लेवल के नहीं आते हैं, तो यदि आप थोड़ा सा ठीक ठाक तैयारी अभी से शुरू कर दें तो लगभग इस बार पटवारी आप एग्जाम निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक भूमि कृषि का रिकॉर्ड होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खतौनी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वायसराय का नाम बताएं जिसे भारत में स्थानीय सुशासन का जनक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसे SANJHI के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांसद आदर्श ग्राम योजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जियो मनरेगा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनरेगा के अंतर्गत निर्मित जो परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग है उसका मतलब उससे था।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस वार्ड में कार्य संचालित होता है, अच्छा इसका क्वेश्चन यहाँ है, मनरेगा के अंतर्गत पंचायत की सामाजिक लेखा टीम की प्रमुख किसे होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर है जिस वार्ड में कार्य संचालित होता है उसके बाहर का व्यक्ति, यानी जिस वार्ड में काम संचालित होता है उस वार्ड का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसके नेतृत्व में नेशनल इनकम कमेटी द्वारा 1949 में पहली बार आधिकारिक रूप से भारत की राष्ट्रीय आय गणना करने का प्रयास किया गया है, तो पीसी महालनोबिस को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एनएसएसओ के अनुसार 2011-12 में राष्ट्रीय स्तर पर रोजगार में कृषि की प्रतिशतता लगभग 49 थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कृषि क्षेत्र में प्रतिशत की वृद्धि करना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय कृषि नीति वर्ष कब घोषित की थी, 2000 में। फिर है कंप्यूटर नॉलेज, तो इसमें भी आपको हम दिखा रहे हैं मतलब किस लेवल के प्रश्न आते हैं, लगभग क्वेश्चन जो होते हैं वो मॉडरेट लेवल के ही रहते हैं, वो ज़्यादा कठिन नहीं आते हैं, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक बाइट कितने बिट के बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2007 में मैक्रोज को निम्नलिखित में से किस मेनू द्वारा निष्पादित किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यू। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर से कंप्यूटर स्वयं की प्रतिलिपि बनाने और यंत्रों की संक्रमित करने की क्षमता होती है क्या कहलाता है, तो उसको राइट आंसर हो जाएगा वर्म। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस फाइनल फॉर्मेट को नोट पैड नहीं खोल सकता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा AVI। फिर नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, तो इसका XLS हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने जीमेल अकाउंट में नई ईमेल आईडी कहां शामिल करेंगे, तो इसका राइट आंसर है कॉन्टेक्ट में, यानी कि संपर्क में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक तारयुक्त प्रकार की इंटरनेट संयोजकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल इंटरनेट एक्सेस। फिर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसे सीधे CPU द्वारा संबोधित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेन मेमोरी। फिर नेक्स्ट है, एमएस एक्सेल 2007 में पेस्ट स्पेशल डायलॉग बॉक्स में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉन्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस 2007 में आप बिल्कुल वही फॉर्मेटिंग ऐसे अपना सकते हैं जो अन्य टेक्स्ट के लिए अपनाई हो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और फिर फॉर्मेट प्रिंट पर क्लिक करें और नए टेक्स्ट को सिलेक्ट कर दें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब एड्रेस को यह भी कहा जाता है, तो URL कहा जाता है। फिर नेक्स्ट है, एक्सावाइट यानी EB किसके बराबर होता है, तो इसका राइट आंसर 2 की घात 60। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेबसाइट का मुख्य पृष्ठ क्या कहलाता है, तो उसका राइट आंसर है होम पेज। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस लोकेशन या टेक्स्ट के सिलेक्शन की पहचान करता है जिसे भविष्य के संदर्भ के लिए नाम देते हैं और चिन्हित करते हैं, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बुकमार्क। फिर नेक्स्ट, वह डिवाइस जिसका उपयोग ड्राइंग ग्राफिक्स बनाने तथा मेनू सिलेक्शन के लिए किया जाता है, तो इसे लाइट पेन के नाम से जाना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में प्रयुक्त होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोम। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सेल कमेंट को किस प्रकार देखा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउस पॉइंटर को सेल पर ले जाएं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान है को आरंभ करने के लिए उत्तरदायी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमएस वर्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, TIFF का फुल फॉर्म क्या है, टैगेड इमेज फाइल फॉर्मेट, फुल फॉर्म से भी एक दो क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसको अच्छे से क्लियर करें। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस ड्राइव का नाम बताएं जिसमें प्राइमरी ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C ड्राइव। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। इसमें एक चीज़ आप अच्छे से क्लियर कर लें कि 5 टॉपिक आते हैं जिसमें पांचों अपने 20-20 नंबर के रहते हैं, तो 20×5 ये हो जाता है टोटल अपना 100 मार्क का। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपको कंप्यूटर, पंचायती राज, गणित, हिंदी, ये अच्छे से कवर करें, क्योंकि ये स्पेशल सब्जेक्ट से आपका 80 नंबर का कवर हो जाता है। बाकी जो बचा GK, उसमें MP अच्छे से कवर कर लें तो लगभग इतने में आप क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि बाकी चीज़ों में फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब आपको स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है, हार्ड वर्क भी करें पर थोड़ा सा स्मार्ट वर्क अगर करते हैं तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और लगभग एक प्रीवियस ईयर का पेपर जो है डेली देखें, जिससे आपको क्वेश्चन आने का लेवल और उससे बहुत सारे प्रश्न भी आपके क्लियर हो जाएंगे और अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं।
सकते हैं और किसी भी सरकारी भर्ती की अपडेट के लिए और उससे जो नई नई लेटेस्ट अपडेट आती रहती हैं पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दें जिससे सबके पास ये पहुँच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।